सो गाइस आज इस वीडियो होने वाला है गूगल पे का ऊपर। अगर आप लोग गूगल पे यूज़र है, आप लोग गूगल पे को यूज़ करके बहुत सारा पेमेंट वगैरह कर ले और आप लोग चाहते हो आपका गूगल पे का जो भी पेमेंट लिस्ट है आपका सामने ना दिखे, जैसे ही आप लोग पेमेंट करते हो गूगल पे से, तो गाइस आप लोग को दो चीज़ शो होने लगेगा। जैसे कि गाइस एक चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है पीपल सेक्शन में, जिस बंदा का आप लोग पेमेंट करते हो उसका जो प्रोफाइल है हर टाइम आपका सामने देखने के लिए आ जाता है। तो गाइस आप लोग चाहते हो इस चीज़ को डिलीट करने के लिए, उसका साथ साथ गाइस आप लोग चाहते हो इधर से भी डिलीट करने के लिए, और गाइस इसका जो भी हिस्ट्री होता है गाइस इस हिस्ट्री से भी आप लोग अगर क्लीन करना चाहते हो, और गाइस इस गूगल पे को यूज़ करके जो भी सारा रिचार्ज वगैरह का तो उसको डिलीट करने के लिए तो कैसे करना है आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करना हूँ। सबसे पहले गाइस अगर आप लोग गूगल पे को यूज़ करके अगर आप लोग आपका जो हिस्ट्री होता है गाइस उसको डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में सिंपली आ जाने के बाद गाइस सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर साइड में स्क्रॉल अप कर देना है। स्क्रॉल अप कर देने के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा सेटिंग। सिंपली सेटिंग में क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक करके गाइस आप लोग एक चीज़ आप फॉलो करोगे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा डाटा एंड पर्सनलाइज, इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे डाटा एंड पर्सनलाइज में क्लिक करोगे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा गूगल अकाउंट, सिंपली इधर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका जो गूगल पे का वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, उसका साथ साथ गाइस आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन किया आप लोगों को नीचे का साइड में शो हो जाएगा। तो गाइस उसको डिलीट करने से पहले आप लोगों को आपका जो गूगल अकाउंट है उसको पासवर्ड दे देना है। तो चलिए मेरा पासवर्ड डाल के पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो डाल देने के बाद सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक करोगे आपका गूगल पे का जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है गाइस आप लोगों को देखने के लिए शुरू हो जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोगों को आगे जाकर ऐसे कनेक्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कनेक्ट में क्लिक करोगे आपका जो भी हिस्ट्री है गाइस इधर शो हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली गाइस आप लोग देख सकते हो इधर एक कॉर्नर में चीज शो हो रहा है डिलीट, इसमें क्लिक करके आप लोग जिस डेट का आप लोग डिलीट करना चाहते हो उसका भी कर सकते हो, 1 आवर लास्ट डे ऑल टाइम। तो गाइस आप लोग जो भी करना चाहते हो सिंपली, अगर मैं करना चाहता हूँ ऑल टाइम, सिंपली इधर क्लिक करके जो भी मेरा हिस्ट्री है अगर मैं डिलीट वाला ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी हिस्ट्री है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग आपका जो भी गूगल पे का हिस्ट्री है आप लोग इजीली डिलीट कर सकते हो। बाकी गाइस अभी बैक कर लेते हो। अभी गाइस इसके साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पीपल सेक्शन होता है गूगल पे का अंदर उसको कैसे डिलीट करना है। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत सारा बार क्या होता है आप लोग पेमेंट कर देते हो हिस्ट्री क्लियर कर देते हो लेकिन आगे जाके आप लोगों को इधर से क्लियर नहीं होता है, जो कि प्रोफाइल है आप लोगों को सामने शो हो जाता है। तो इधर से कैसे आप लोगों को क्लीन कर ले, आप लोग इधर आके जो भी प्रोफाइल आप लोग डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि गाइस सोचिए ये वाला प्रोफाइल मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली ऐसे करके आप लोगों को हिडन फॉर दिस स्क्रीन, आप लोगों को ऐसे करके पूरा का पूरा जो स्क्रीन है गाइस ऐसे करके आप लोगों को हिडन कर देना है और पूरा का पूरा जो डिटेल्स है गाइस आपका इधर से हट जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो इधर से जो भी डिटेल्स था हट गया और पहला जैसा हो गया। अगर गाइस आप लोग किसी भी नंबर पर कर देते हो तो गाइस उसको अगर आप लोग करना चाहते हो सिंपली ऐसे टैप कर देना है और हिडन में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐसे टैप कर देंगे आपका जो भी डिटेल्स होता है गाइस डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। ऐसे करके आपका गूगल पे का जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है आप लोग इजीली डिलीट कर सकते हो। सो गाइस आज इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताए, वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।